नमस्कार, राधे राधे। मैं सच्चिदानंद सिंह कुशवाहा आप सभी को श्रावण मास हरियाली अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रावण कृष्ण की अमावस्या को ही हरियाली अमावस्या कहते हैं। इस अमावस्या पर प्रकृति में चारों ओर हरियाली छा जाती है। आज के इस वीडियो में हरियाली अमावस्या की पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे, साथ ही साथ हरियाली अमावस्या को हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों और ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार किए जाने वाले कुछ विशेष अचूक उपायों की चर्चा करेंगे। मान्यता है कि इन उपायों को आज के दिन कर लेने से देव, पितृ, यक्ष, नाग, गंधर्व सब प्रसन्न हो जाते हैं और देवों के देव महादेव की कृपा प्राप्त होती है। हरियाली अमावस्या वाले दिन किए जाने वाले विशेष उपायों में कहा जाता है कि इस दिन पितृ दोष से मुक्ति के लिए किसी नदी किनारे या कुंड के पास पिंडदान, तर्पण आदि कार्य किया जाता है। इस दिन पिंडदान या तर्पण नहीं कर सकते हैं तो पितृ शांति के लिए पितृ सूक्त पाठ, गीता पाठ, गरुण पुराण, गजेंद्र मोक्ष पाठ आदि का भी पाठ किया जा सकता है। हरियाली अमावस्या को दीप दान का विशेष महत्व है। इस दिन दान के साथ ही दीपदान भी करना चाहिए। इस दिन आटे के दीपक जलाकर नदी में प्रवाहित करने से यम, पितृदेव और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। पद्म पुराण के उत्तराखंड में स्वयं महादेव और कार्तिकेय को दीप अमावस दीपावली, कार्तिक कृष्ण पक्ष के 5 दिन में दीपदान का विशेष महत्व बताते हैं। इसी प्रकार मान्यताओं के अनुसार हरियाली अमावस्या को शनिदेव जी के मंदिर में विधि अनुसार दीपक लगाने से वे प्रसन्न होते हैं और शनि पीड़ा से मुक्ति मिलती है। साथ ही कहा जाता है कि इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करके उसकी परिक्रमा की जाती है। पीपल के वृक्ष में देवों का वास होता है और जब हम पीपल का पूजन करते हैं, उसमें जल अर्पित करते हैं और उसकी परिक्रमा करके दीप लगाते हैं तो सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं और हमारे सारे कष्टों को हर कर हमें सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करते हैं। इसलिए हरियाली अमावस्या वाले दिन पीपल के वृक्ष का पूजन कर उसकी परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। अन्य उपायों में कहा जाता है कि इस दिन किसी नदी या तालाब में जाकर मछली को आटे की गोलियां खिलाने से धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन घर के पास चींटियों को सूखे आटे में चीनी मिलाकर खिलाने से व्यक्ति के समस्त तरह के संकट दूर हो जाते हैं। हरियाली अमावस्या की रात में पूजा करते समय पूजा की थाली में स्वास्तिक या ओम बनाकर और उस पर महालक्ष्मी यंत्र रखें, फिर विधिवत पूजा अर्चना करें। ऐसा करने से घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होगा और आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ कहा जाता है कि हरियाली अमावस्या वाले दिन पौधरोपण या वृक्षारोपण अवश्य करना चाहिए। वृक्षारोपण करने से ग्रह नक्षत्र और पितृदोष शांत हो जाते हैं। इस दिन ग्रहों के अनुसार और नक्षत्रों के अनुसार आम, आंवला, केला, नींबू, तुलसी, पीपल, बटवृक्ष और नीम के पौधों का रोपण करना चाहिए। इस दिन सभी तरह की अलाबला या ऊपरी बाधाओं से मुक्ति हेतु हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें और श्री हनुमान जी महाराज को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं। साथ ही हरियाली अमावस्या पर विशेष तौर पर देवों के देव महादेव शिव जी का पूजन अर्चन किया जाता है। शिव जी को इस दिन सफ़ेद आंकड़े के फूल, बिल्व पत्र और भांग तथा धतूरा चढ़ाया जाता है। ऐसा करने से महादेव अति प्रसन्न होते हैं। ज्योतिष शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार इन उपायों को करने से व्यक्ति के समस्त कष्ट तो दूर होते ही हैं, बल्कि घर में सुख और समृद्धि का वास होता है। आइए अब हम हरियाली अमावस्या की प्राचीन एवं पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। हरियाली अमावस्या की कथा के अनुसार कहा जाता है कि एक राजा की बहू ने एक दिन मिठाई चोरी करके खा ली और नाम एक चूहे का ले दिया। यह बात जानकर चूहे को क्रोध आया और उसने तय किया कि एक दिन राजा के सामने सच लेकर ही आऊँगा। फिर एक दिन राजा के यहाँ
अतिथि पधारे और राजा के ही अतिथि कक्ष में सोए। चूहे ने रानी के वस्त्र ले जाकर अतिथि के पास रख दिए। प्रातःकाल उठकर सभी लोग आपस में बात करने लगे कि छोटी रानी के कपड़े अतिथि के कमरे में मिले हैं। यह बात जब राजा को पता चली तो उस रानी को घर से निकाल दिया। रानी प्रतिदिन संध्या को दिया जलाती थी और पूजा करके गुड़ धानी का प्रसाद बांटती थी। फिर एक दिन राजा शिकार करके उधर से निकले जहां वह रानी रहती थी, तो राजा की नज़र रानी पर पड़ी। राजा ने महल में आकर कहा कि आज तो वृक्ष के नीचे चमत्कारी चीज है। झाड़ के ऊपर जाकर देखा तो दिए आपस में बात कर रहे थे। आज किसने क्या खाया और कौन क्या है? उसमें से एक दिया बोला, आपके मेरे जान पहचान के अलावा कोई नहीं है। आपने तो मेरी पूजा भी नहीं की और भोग भी नहीं लगाया। बाकी के सब दिए बोले, ऐसी क्या बात हुई? तब दिया बोला, मैं राजा के घर का हूँ। उस राजा की एक बहू थी, उसने एक बार मिठाई चोरी करके खा ली और चूहे का नाम ले लिया। जब चूहे को क्रोध आया तो रानी के कपड़े अतिथि के कमरे में रख दिए और राजा ने रानी को घर से निकाल दिया। वो रोज़ मेरी पूजा करती थी, भोग लगाती थी। उसने रानी को आशीर्वाद दिया और कहा कि सुखी रहो। उसने आगे बताया कि रानी की मिठाई चोरी की वजह से चूहे ने रानी की साड़ी अतिथि के कमरे में रखी थी और बेकसूर रानी को सजा मिल गई। फिर सब लोग पेड़ पर से उतरकर घर आए और कहा कि रानी का कोई दोष नहीं था। यह सुनकर राजा ने रानी को घर बुलाया और फिर सभी सुखपूर्वक रहने लगे। श्रावण मास में हरियाली अमावस्या को व्रत रखकर विशेष उपायों के साथ साथ यदि हरियाली अमावस्या की इस पौराणिक कथा को सुन लिया जाता है, पढ़ लिया जाता है, तो हरियाली अमावस्या के व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। एक बार पुनः आप सभी को हरियाली अमावस्या की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। हम सब पर महादेव शिव की कृपा हमेशा बनी रहे। हम सब के जीवन में सुख समृद्धि और संपन्नता का वास हमेशा बना रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।